सब्सक्राइब कीजिए हमारे YouTube चैनल सोनीपत 24 को। सबसे पहले लेटेस्ट खबरें देखने के लिए बेल आइकन को दबाइए। प्रदेश में चुनावी रण को जीतने के लिए राजनीतिक दलों के प्रत्याशी रण में उतर गए हैं और रण को जीतने के लिए हर प्रत्याशी कोई कोर कसर नहीं छोड़ना चाहता। रण को जीतने के लिए प्रत्याशी दिन रात एक किए हुए हैं, घर घर जाकर लोगों को अपने अपने पक्ष में समर्थन की मांग कर रहे हैं। इसी क्रम में सोनीपत से भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी कविता जैन कोट मोहल्ले में एक जनसभा को संबोधित करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने पूरे विश्व में भारत का डंका बजाया है। दुनिया का कोई भी देश भारत के सामने चू तक नहीं कर सकता। एक समय था जब अमेरिका तय करता था कि भारत में किसकी सरकार बनेगी, लेकिन आज भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तय करेंगे कि अमेरिका का राष्ट्रपति कौन बनेगा। जो काम कांग्रेस पार्टी 70 साल में नहीं कर पाई, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने एक ही झटके से धारा 370 को खत्म करने का काम किया है। सोनीपत से शाम वशिष्ठ की रिपोर्ट। लोकतंत्र के अंदर सबसे बड़ा त्यौहार और पर्व मेरा मानना है कि वो केवल चुनाव नहीं होता, त्यौहार होता है, पर्व होता है, यज्ञ होता है, उसमें आहुति डलती है हम सब लोगों के बोल। और उस यज्ञ के संपन्न होने के बाद हमें जो नेता मिलते हैं, हमारी जो सरकार बनती है, क्योंकि वही नेतृत्व करता है हमारे देश का, प्रदेश का, हमारे लिए योजनाएं बनाते, नीति निर्धारण करते, हमें इंफ्रास्ट्रक्चर मुहैया कराते हैं, वो वातावरण देते हैं जिसके माध्यम से हम आने वाली पीढ़ियों के लिए कुछ कर पाए, समाज के लिए कुछ कर पाए और उन्नति के शिखर पर ले जाए। और मैं दावे के साथ कह सकती हूँ, मुझे पूरा यकीन है, आज हरियाणा प्रदेश नहीं, इस देश की जनता ने जिस विश्वास के साथ, जिस आत्मविश्वास के साथ, जिस यकीन के साथ भारतीय जनता पार्टी को चुना, और आज भारतीय जनता पार्टी ने जो व्यक्ति इस देश के नेतृत्व करने के लिए दिया, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी, आज वो भारतीय जनता पार्टी के नेता नहीं है, आज वो 130 करोड़ भारतीयों के नेता है, आज वो हमारे देश के प्रधानमंत्री है, आज वो 130 करोड़ भारतीयों के नेता के रूप में रिप्रेजेंट करते हैं। और उन्होंने इस बात को साबित किया है, लोगों का विश्वास हासिल किया है, और आज पूरी दुनिया उसे सबसे बड़े नेता के रूप में उनको मानती है। और ऐसा इसलिए संभव हो पाया क्योंकि देश की जनता ने उन्हें अपार प्यार, स्नेह और समर्थन दिया। और उन्होंने क्यों दिया इतना अपार स्नेह और प्यार? क्योंकि मोदी जी ने वो करके दिखाया जो 70 सालों के अंदर, चाहे वो कोई भी सरकार रही, कोई भी नेता रहा, किस भी पार्टी का वर्चस्व रहा, लेकिन वो हिम्मत नहीं जुटा पाया कि हमारे देश से जहां आतंकवाद का जड़ है, मूल है, धारा 370 और 35 को समाप्त कर सके। लेकिन जनता के प्यार और आशीर्वाद से भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का नेतृत्व इतना मजबूत और सशक्त हुआ कि केवल मात्र 70 दिन के अंदर अंदर धारा 370 और 35 को उड़ाने का काम।